22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी, अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने। हालात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है। और किसी भी संस्था में आप देख लो, सरकार में देख लो, कॉरपोरेट इंडिया में देख लो, मीडिया में देख लो, प्राइवेट अस्पतालों में देख लो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में देख लो, आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% आबादी है आपकी, आपकी कोई भागीदारी है ही नहीं। पिछड़ों की बात करनी है, दलित आदिवासियों की बात करनी है, ढूंढना है उनको, मजदूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको, जो मनरेगा करते हैं वहां जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते वहां जाके देखो। 90% हिंदुस्तान या मनरेगा कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है या कहीं सड़क पे मजदूरी कर रहा है। और हिंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में है ही नहीं, कहीं नहीं है। 650 हाईकोर्ट के जज हैं, आपकी आबादी 73% है, 650 में 100 भी नहीं है आप। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90 आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा मिलेगा, कर्नाटक कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य में कितना जाएगा, वो 90 लोग डिसाइड करते हैं। उनकी लिस्ट निकाली मैंने, चलो देखते हैं पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है, और बैक ऑफिस में बैठा रखे हैं। आप ये मत सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, बड़ी मिनिस्ट्रियों में नहीं, नहीं 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 नहीं। 7 लोग हैं, 73% आपकी आबादी 7 लोग हैं, 90 में से पीछे बैठा रखे हैं, क्यों नहीं कर सकते वो? और अगर 100 रुपए खर्च होता है बजट में, तो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय ये 7 अफसर लेते हैं, और कभी भी इनका वीटो लग सकता है। और यही हालत हर सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में भी यही है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यही है, दिल्ली की सरकार में भी यही है। तो 90% के पास यहां कुछ है ही नहीं, यह सच्चाई है। इसीलिए हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान के हर संस्था का सर्वे कराएंगे। मतलब यह पता लगाएंगे कि प्रेस में, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, हिंदुस्तान की कॉरपोरेट इंडिया में पिछड़े वर्ग के दलित आदिवासी कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में, डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हिंदुस्तान की जनता को पता लग जाएगा हमारी कितनी भागीदारी है। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है, इससे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता।
ये जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश की जनता को हिंदुस्तान की सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के सच लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं उनके साथी हैं उनसे डरते हैं। ये बात सच है? तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए, और आपसे मिलकर सबकी बातें सुनकर कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला, उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है।